हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारे इस न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई, सभी लोग ये सोचते होंगे कि भैया बहुत दिन हो गए ब्लॉग, कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि घर पर हमारे चाचा जी हैं। बताया होगा रेखा ने कि उनकी शादी थी, तो उनकी शादी में जब मैं घर पर गया था, तो इसीलिए तो हमारा कोई होली वाला ब्लॉग और होली वाला कोई वीडियो नहीं आया होगा इनके साथ में। क्योंकि जब हम एक आध वीडियो आ गया होगा, क्योंकि हम सुबह जल्दी निकल आते थे, क्योंकि अभी होली स्टार्ट। तैयार कटार की सब्जी है। अच्छा, दिन भर के दिखाओ या बहुत पसंद है कटार की सब्जी और पूरी है। और भैया काउने चावल के संगे कटार खाओ चावल के साथ पूरी के साथ जरूर खावा था। खाओ भाई एक लोगों ने, लेकिन हम उनको नाम नहीं जाने जा सके मैं। हाँ, वो एक बार हम लोगों को मजबूरी में, भाई सब लोग जो अपने अपने घर पे गए, तो भाई मैं चीज जा लेट लपेट जाओ, तो घर पे जो बनो है, मैं जो चीज बची है वही चीज मिले खाने के लिए। कछु कटहल बनाए वे को टैलेंट बतान जा रही है। का टैलेंट है बताओ भाई, इसमें क्या राज छुपा हुआ है? राज कछु नहीं छुपा हुआ है। मुझे मतलब कि तुम जो का छोगो को तीजा बता, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी दे रहे, खुशबू बहुत अच्छी है। जब का तुम का डालो बत्ती जन, या मैं पहले लहसुन तो छोगा, तब प्याज डाल के छोगा। प्याज और लहसुन दोनों, प्याज लहसुन मतलब मिक्स करके, प्याज लहसुन बहुत अच्छी अच्छा बनता है पता। तो भैया ट्राई कर लीजिए एक बार, दोस्तों आप लोग भी खा जाओ। है खा जाओ भैया, पूरी बनन जाए नहीं है और कटहल तो बन चुको। और बताया था जी पूरी कटहल जो काहे की वजह से बन रहे, क्योंकि हम जा रहे हैं आगरा सामान लेने के लिए, दुकान के लिए। और आप लोग बने रहो ब्लॉग में, तब तक जो ब्लॉग थोड़ा पूरा करें, अब हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं। जे पूरा करें फिर शाम को जब हम लेके आए हैं वहां से आगरा से कोई आइटम इनके लिए, एक तो खिलवे के लिए खिलौना ले इनके लिए, ठीक है, और खेवे के लिए जो चीज ले वो आपको लास्ट में दिखाएंगे। लास्ट में पूरा वीडियो देख लो, तब तुम्हें देखने को मिले। बीच में कब जगह पे भाई हम लगाए सकते हैं। अच्छा अच्छा आज मैंने खिलौना लेके आया हूं। खिलौना था हमारा, हम तक अब खेल खिलौना तुमका, हम तो ज्यादा बड़ी होगा, हम तो ज्यादा छोटी नहीं कही हम तक है। तो 4 साल छोटे हैं हम, 4 साल का छोटी, 4 महीना छोटी। मैं बताती थी कि 4 महीना छोटी है, 4 साल है, 4 साल, 4 साल है छोटे हम, 4 साल। लेकिन छोटी लग नहीं रही कहीं है। देखो भैया नेक चेहरा ये करो भैया, सही रियल बताइयो जी, हम तो छोटी लग रही, सही बताइयो रियल, बिल्कुल कसम है सब है। दोस्तों आपके भैया जी तो चले गए हैं आगरा माल लेने के लिए, क्योंकि दुकान पे काम अब सही आने लगा, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है ना, इसलिए कोई पंखा कूलर मोटर समर आने की आएंगे, तो उसके लिए सामान नहीं था, तो वो लेने के लिए आगरा गए हुए हैं। तो हमसे बोल रहे थे कि बस अब आगे ब्लॉक है जो, वो अब तुम खुद ही बढ़ाइए, क्योंकि हम तो शाम को आएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है आप लोगों ने, और इतना सारा प्यार दिया है मुझे। और एक और खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, वो आपको अगले वाले वीडियो में मिलेगा देखने को कि क्या खुशखबरी है, तो हम अभी नहीं आपको बताएंगे। वो जब न्यू वीडियो आएगा अगला वाला, तो हम आपको उसमें बताएंगे कि क्या खुशखबरी है। और हम केक भी काटेंगे तो आपको बताएंगे। दोस्तों हम तोड़ रहे हैं मिर्च के दाणे और इन्हें अब अभी पीसेंगे हम। तो दोस्तों ये रही धनिया, धनिया और मिर्च दोनों लोग दोनों मतलब चीज़ें ये पीसेंगे, क्योंकि सुलेखा ने और घर पे मंगाया है कि दीदी मिर्च पीस के और धनिया पीस के भिजवा देना। तो हमने कि चलो ठीक है, तो मैं इनकी सफाई कर लूँ, इनमें दाढ़े हैं ना वो टूट गए, तब बाद में पीसेंगे। तो हमने मिर्चे तोड़ के डाढ़े इसके तोड़ के और देखो रेडी कर लिए, अब जा रहे हैं हम नीचे से मिक्सी में पीस दिए जाके
मिक्सी में पीसने जाएंगे। धना इनको भी पीसेंगे मिक्सी में। तो ये रही मिक्सी और इसमें हमने धना भर लिए हैं, अब इन्हें पीसेंगे। धनिया भी पिसका रेडी हो गई है और ये देखिए मिर्च, मिर्च भी मतलब कुछ नहीं। तो सुलेखा ने धना और मिर्चें मंगाई थी कि दीदी पीस के पटवा देना, हमने भी ठीक है। तो आप लोग बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगे, मिलते हैं बाय। हमें भी लगा अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना जरूर। और जो नए आए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मैं